हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेली ERP नैन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैनुअल रूप से अगर डालनी पड़े तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आज की इस वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक अकाउंट्स और टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। और आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी में मैंने एक परचेज वाउचर और एक सेल्स वाउचर की एंट्री ऑलरेडी पास करके रखी हुई है, तो सबसे पहले हम दोनों वाउचर्स को एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्प्ले ऑप्शन के और डे बुक के ऑप्शन पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे F2 करके स्पेस बार से इसकी डेट को मैं हटा दूंगा, तो जितने भी हमारी बुक्स में एंट्री होगी वो सारी डे बुक में शो हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने सिर्फ दो ही वाउचर्स की एंट्री पास करी हुई है, एक परचेज वाउचर और एक सेल्स वाउचर की। तो परचेज वाउचर पर एंटर मार के हम इस वाउचर को देखते हैं, तो ये हमारा 15 जून 2020 का ये इनवॉइस है और ये 1341 इसका इनवॉइस नंबर है और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से इस गुड्स को परचेज किया हुआ है। और इसमें चार प्रोडक्ट्स हमने परचेज किए हुए हैं, शुगर है इसमें, दंतकांति पेस्ट 300 ग्राम, क्लिनिक प्लस शैम्पू 350 ग्राम और T1 kg के पैकेट हैं। और इन्हीं जो चार प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं सेल्स वाउचर में, इनको सेल भी किया हुआ है। तो ये हमारा 16 जून 2020 के अंदर इसको हमने सेल किया है। इनवॉइस नंबर हमारा एक है, मुकेश कुमार को हमने इसको सेल किया है और ये चारों प्रोडक्ट्स। तो अब परचेज और सेल में से जो हमारी क्वांटिटी लेस होएगी उसका क्लोजिंग स्टॉक टेली इसको ऑटोमेटिकली ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल देगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें देखने के लिए सबसे पहले हम गेटवे टेली पे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये ट्रेडिंग अकाउंट एक ऑप्शन खुल के आएगा, इसमें हमारी बुक्स की टोटल परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में शो हो रही है। अगर हम टोटल परचेज की बात करें तो 19,781.91 रुपये की परचेज वैल्यू है और 8,481.41 रुपये सेल्स वैल्यू आ रही है और 12,665.12 रुपये ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से टेली ने ऑटोमेटिकली पिक किया इसको हम एक बार देख लेते हैं। हम क्लोजिंग स्टॉक पे इंटर प्रेस करूंगा और Alt+F1 के साथ इसको डिटेल के साथ ओपन करेंगे। तो जो पहला प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है दंतकांति पेस्ट का, और इसका 55 पीस स्टॉक में अभी भी बचे हुए हैं और जो 74.97 रुपये इसकी जो वैल्यू आ रही है ये पर पीस की टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि इसमें GST है वो इंक्लूड नहीं है। और ये 55 पीस ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की जो क्वान्टिटी बची है जो हमारी परचेज में से सेल्स लेस होने के बाद में, और ये 4123.35 रुपये इसकी वैल्यू आ चुकी है 55 पीस की। तो ये जो 74.97 रुपये किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक उठाया ऑटोमेटिकली, इसमें इंटरप्रेस करेंगे एक बार और इंटरप्रेस करेंगे तो जो हमारी परचेज कॉस्ट आ रही थी 74.97 रुपये हमने 60 पीस परचेज किए थे और इस 60 में से हमने 5 पीस सेल कर दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में वो 55 पीसेस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचे हुए हैं और 74.97 रुपये इसकी जो लास्ट परचेज कॉस्ट थी वो इस हिसाब से इसने वैल्यू उठाई है। तो इसी तरीके से हमने जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो लास्ट परचेज कॉस्ट पे दी हुई है। अगर हम देखना चाहें भी हम लास्ट परचेज कॉस्ट कैसे देते हैं तो इसके लिए हम Ctrl+S प्रेस करूँगा। तो हम जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने ये एक ऑप्शन आता है क्लोजिंग मेथड का, और इसमें हम यहाँ से देते हैं लास्ट परचेज कॉस्ट। हालांकि काफ़ी सारे इसमें फीचर और भी आएंगे, फिफो मेथड रहेगा, लिफो मेथड रहेगा, लेकिन हमें लास्ट परचेज कॉस्ट ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपकी टेली में अगर इस टाइप का फंक्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से F12 बटन प्रेस करोगे और थर्ड ऑप्शन जो आपको शो हो रहा है अलाउ एडवांस एंट्री इन मास्टर, अगर आपको वो फंक्शन नो है तो आप इसे यस कर लेना। अब मैं इसको नो करूँगा तो वहाँ से हट जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी इसको यस किया हुआ है तो वो फंक्शन मेरे को शो हो रहा है, ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक मेथड वाला। तो इसी तरीके से मैंने जितने भी मेरे पास स्टॉक आइटम है सबको लास्ट परचेज कॉस्ट मैंने क्लोजिंग मेथड दिया हुआ है। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आ रही है वो सारी लास्ट परचेज कॉस्ट से ही आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट की, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कॉस्मेटिक गुड्स GST 18% है, कॉस्मेटिक गुड्स 28% का भी स्टॉक है और किराना गुड्स GST 5% का भी स्टॉक है। लेकिन
बहुत सारे बिजनेसमैन ये चाहते हैं भी हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो हमें जो लास्ट में जो पैसे आते हैं वो राउंड ऑफ में नहीं रखने। अब जैसे जो पहला जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 4123.35 रुपये का, वो चाहता है भाई इसको मैं 4125 रुपये पूरा स्टॉक दिखाना है, और उसके बाद में जो 6769.50 रुपये जो आ रही है इसको मैं 6760 रुपये पूरा इसकी वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, और जो 1782.27 रुपये इसको मैं 1780 रुपये का स्टॉक दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे दिख रहा है ये टेली ने ऑटोमेटिकली ही अपने हिसाब से उठाया है, लेकिन अगर हमें मैनुअल रूप से अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी होगी तो सबसे पहले जो ऑटोमेटिकली जो क्लोजिंग स्टॉक का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हमें डिसेबल करना होगा। तो डिसेबल करने के लिए सबसे पहले F11 बटन प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर में एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये फंक्शन हमारा यस है तो इसे हम नो करेंगे। तो जैसे हम इसको नो करके और इंटर प्रेस करके हम इसको सेव करेंगे तो जो क्लोजिंग स्टॉक अभी हमें दिखाई दे रहा था वो यहाँ से हट चुका है, यानी जो ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक का जो ऑप्शन था वो हमने डिसेबल कर दिए। अब हमें जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी है वो मैनुअल रूप से डालनी है, और क्लोजिंग स्टॉक की मैनुअल रूप से एंट्री डालने के लिए हमें तीन टाइप के लेजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे। अब हमें तीन टाइप के लेजर क्यों क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में तीन टाइप की हम कॉमोडिटी परचेज और सेल करी है। अब इसमें देखो हमारे पास कॉस्मेटिक 18% की भी हमने परचेज करी है, कॉस्मेटिक 28% की भी परचेज है, और किरियाना गुड्स 5% की परचेज है, तो तीनों की क्लोजिंग स्टॉक भी हमें अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। लेजर के लिए हम सबसे पहले गेटवे टेली के अकाउंट इन्फो पर और लेजर्स पर और क्रिएट पर इंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट करूँगा कॉस्मेटिक गुड्स GST 18% स्टॉक, और इसको अंडर में मैं रखूँगा स्टॉक इन हैंड के, और इसको मैं इंटर एक्सेप्ट करूँगा। तो इसी तरीके से मैं कॉस्मेटिक 28% का भी मेरे पास स्टॉक है तो 28% स्टॉक का भी मैं लेजर क्रिएट करूँगा, वो भी अंडर स्टॉक इन हैंड रहेगा, और किरियाना गुड्स GST 5% का स्टॉक रहेगा, और ये भी अंडर में स्टॉक इन एंड। अब मैं इसको स्केप करके वापस प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे इंटर प्रेस कर दूंगा। तो इसको मैं Alt+F1 डिटेल के साथ ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शन तो आ गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। तो वैल्यू डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने तीन लेजर क्रिएट किए थे स्टॉक के वो हमारे सामने यहाँ पर शो होंगे। तो सबसे पहला जो लेजर आ रहा है कॉस्मेटिक 18% का, और इस पर जब इंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे लेजर का अल्टरनेशन हो जाएगा, और यहाँ पर हमें पूछ रहा है ओपनिंग स्टॉक के लिए। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमने जो बिजनेस शुरू किया वो इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान किया है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा जीरो रहेगा। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आप किस डेट तक का डालना चाहते हो, वैसे तो हम 31 मार्च का ही क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, लेकिन आप अगर आप मंथ वाइज अगर आप क्लोजिंग स्टॉक डालना चाहते हो तो यहाँ पे जिस मंथ की भी एंड की आप डेट दोगे वो उस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर शो करेगा। मैं यहाँ पे 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग स्टॉक आपको मैं देख के दिखा रहा हूँ। मैं इंटर प्रेस करूँगा तो जो मेरे पास 18% का जो मैनुअल स्टॉक मेरे को डालना था वो 4125 रुपये यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक डालूँगा, और इसको मैं इंटर प्रेस करके सेव करूँगा। और इसी तरीके से कॉस्मेटिक गुड्स 28% का, ओपनिंग मेरे पास कुछ है नहीं, तो 31/3/2021 का जो स्टॉक रहेगा वो 6760 रुपये का। और इसी तरीके से किरियाना गुड्स का जो मेरे पास स्टॉक रहेगा, ओपनिंग कुछ है नहीं, और 31 मार्च का जो स्टॉक मेरे पास रहेगा 1780 रुपये का, और मैं इसको इंटर प्रेस करके सेव करूँगा। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक देख रहा हूँ, लेकिन अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी भी शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी थी वो 31 मार्च 2021 का दिया था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो शो रहा है वो 1 अप्रैल से 16 जून का ही शो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट 31 मार्च को करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं Alt+F2 करूँगा, तो यहाँ से पीरियड में चेंज कर दूँगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31/3/2021 तक का। जैसे इंटरप्रेस करूँगा तो ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू हमने मैनुअल रूप से डाली थी वो यहाँ पर शो करेगा।
यानी कि जो लास्ट में जो अभी राउंड ऑफ के जो पैसे आ रहे थे, जो 4123.35 रुपये का स्टॉक आ रहा था, इसको हमने 4125 रुपये का कर दिया, और जो 6769.50 रुपये का आ रहा था उसको हमने 6760 रुपये का कर दिया, और इसको जो 1782.27 रुपये का जो स्टॉक आ रहा था उसको 1780 रुपये का कर दिया। अगर हम इस फंक्शन को हटा के वापस ऑटोमेटिकली फंक्शन को अगर हम लेके आना चाहे तो सेम वही फंक्शन हमें F11 पे बटन प्रेस करना पड़ेगा, और जो ऑप्शन आ रहा था इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, इस फंक्शन को वापस हम यस करेंगे, और जैसे हम यस करके इसको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक था वो यहाँ पे शो करेगा, जो मैनुअल रूप से जो हमने क्लोजिंग स्टॉक डाला था वो यहाँ से हट जाएगा। अब सेम वही जो स्टॉक आ गया जो हमें पहले शो हो रहा था। अगर इस फंक्शन को हम वापस हम बंद कर देंगे तो जो हमने मैनुअल रूप से जो क्लोजिंग स्टॉक डाला है वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।